हे गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप Redmi Note 12 Pro मोबाइल में आप किस तरीके से फिंगरप्रिंट स्कैन लॉक को लगा सकते हो, यानी कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट कैसे लगा सकते हो। क्योंकि गाइस, इसमें जो है आपको डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट दिया गया है, तो आपको कैसे लगाना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग में। तो यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद आपको नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। देख पा रहे हो पासवर्ड एंड सिक्योरिटी लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको जाना है यहाँ पर फिंगरप्रिंट अनलॉक, तो इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पिन पैटर्न और पासवर्ड तीन ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर पिन रखना चाहते हो तो पिन रख लीजिए, नहीं तो आप पैटर्न पर क्लिक करिए। तो यहाँ पर मैं पैटर्न पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा गॉट इट, तो आपको क्या करना है गॉट इट पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पैटर्न डाल देना है, जो भी आप रखना चाहते हो पैटर्न उसको डाल दीजिए और फिर से कन्फर्म कर दीजिए। इतना करने के बाद गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर कन्फर्म पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो है फिंगरप्रिंट को स्कैन करवाना पड़ेगा। तो आपके डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट दिया गया है, यहाँ पर कन्फर्म करना है और फिंगरप्रिंट को स्कैन करवा लेना है। तो यहाँ पर मैं फिंगरप्रिंट को स्कैन करवा लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ क्या करना है। तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट को स्कैन करवाने के बाद गाइज यहाँ पर डन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको डन पर क्लिक करना है। यहाँ पर ऐड फिंगरप्रिंट पर क्लिक करके आप दूसरी फिंगर को भी ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से देखिए लॉक स्क्रीन आपका लग चुका है, यानी कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आपके मोबाइल में लग चुका है।